दोस्तों आचार्य चाणक्य ने अपने नीति ग्रंथ यानी चाणक्य नीति में मनुष्य के दैनिक जीवन से जुड़ी कई बातों का उल्लेख किया है। आचार्य चाणक्य ने सुख समृद्धि, धन दौलत, मित्र शत्रु, पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन तमाम पहलुओं पर गहनता से अध्ययन किया और अपने विचार और अपने सुझाव प्रस्तुत किए। दोस्तों चाणक्य नीति में महिलाओं और पुरुषों के गुणों के बारे में भी बताया गया है। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति के माध्यम से चार ऐसे मामलों के बारे में बताया है जिनमें महिलाएं पुरुषों से आगे रहती हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं के बारे में जरा विस्तार से बताएंगे। नंबर एक, आहार यानी भोजन के मामले में। दोस्तों चाणक्य नीति में भोजन के मामले में महिलाओं को पुरुषों से आगे बताया गया है। चाणक्य के अनुसार महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक भूख लगती है। दरअसल शारीरिक बनावट के हिसाब से महिलाओं को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। ऐसे में महिलाओं को पुरुषों से अधिक भूख लगना और आहार लेना स्वाभाविक होता है। नंबर दो, बुद्धिमत्ता। दोस्तों आचार्य चाणक्य के अनुसार महिलाओं में बुद्धिमत्ता का गुण होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक समझदारी और बुद्धिमानी से पारिवारिक जीवन चलाती हैं। बुद्धिमत्ता से महिलाएं पारिवारिक जिम्मेदारियों और पारिवारिक कार्यों को बड़ी आसानी से करने में सक्षम होती हैं। नंबर तीन, साहस का गुण। दोस्तों चाणक्य नीति में महिलाओं को साहसी बताया गया है। हालांकि हमारे समाज में आमतौर पर पुरुषों को महिलाओं से अधिक पराक्रमी और साहसी माना जाता है, लेकिन चाणक्य के अनुसार विपरीत परिस्थितियों में महिलाएं हिम्मत से डटकर खड़ी रहती हैं। इसीलिए महिलाएं पुरुषों से अधिक साहसी होती हैं। नंबर चार, कामुकता की भावना। दोस्तों आचार्य चाणक्य ने महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले अधिक कामुक बताया है। चाणक्य के मुताबिक महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कामुकता की भावना ज्यादा होती है। तो दोस्तों ये थे आचार्य चाणक्य जी के कुछ बेहद अनमोल विचार जो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर किए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।